अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ द टेक शो। वैसे मुझे लग रहा था कि आज सैटरडे को इनफ न्यूज़ नहीं होगी कि हम लोग द टेक शो को अपलोड कर सके, लेकिन भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट अपडेट्स सामने आई हैं। तो आप लोगों का अगर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। वैसे अगर आप लोगों ने कल कमेंट कर दिया था तो फिर कोई टेंशन नहीं, कल वाले वीडियो से भी मैं क्वेश्चन को पिक कर लूँगा। कल इंशाल्लाह आप लोगों को Q&A की वीडियो मिल जाएगी। आज हम लोग पहली थोड़ी सी अपडेट एक डिफरेंट को डिस्कस कर लेते हैं। अब इससे पहले पूरी दुनिया के अंदर लाइक अगर हम लोग स्पेशली तौर पर अमेरिका को देखते हैं ना, तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ड्राइवरलेस कार को बनाया ना, तो उसके अंदर जरूरी ये चीज थी कि भाई आपने जो स्टेरिंग है, जितने भी ड्राइवर वाले कंट्रोल होते हैं ना मैनुअल, उनको लाजमी तौर पर लगाना है, उनका होना जरूरी है। लेकिन अब अमेरिका के अंदर उन लोगों ने इस चीज की जो पाबंदी है उसको खत्म कर दी। अगर आप लोगों ने सेल्फ ड्राइविंग कार बनाई है ना, तो उसके अंदर अगर स्टेयरिंग नहीं होता, कोई रेस ब्रेक वगैरह कुछ नहीं होती, लाइक फिजिकल हम लोग जो कंट्रोल करते हैं, उन किस्म की चीजों को लगाने की किसी किस्म की कोई भी पाबंदी नहीं है। और इस किस्म की जो फुली ऑटोमेटिक कार्स होंगी ना ड्राइवरलेस, अब वो रोड के ऊपर चल सकेंगी। लाइक इन्होंने लगता है ना मुझे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बना ली हुई हैं, अब एक्सीडेंट होता तो भाई फिर कौन जिम्मेदार होगा, लाइक किसको हम लोग पकड़ेंगे। क्योंकि ये वाली जो कार चलेंगी ये कमर्शियल बेस के ऊपर चलेंगी, वहाँ पर टैक्सी वगैरह के तौर पर लिमिटेड एरियाज़ के अंदर। ओवरऑल काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है। 5G का होना यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अमेरिका के अंदर आई थिंक कुछ एरियाज़ के अंदर 5G मौजूद है, तो वो लोग इस चीज़ को स्टार्टअप बेस के ऊपर स्टार्ट करने वाले हैं कमर्शियल तौर पर। तो लेट्स सी के किस किस्म की परफॉर्मेंस निकल के आती है और भाई लोगों का रिस्पॉन्स क्या होता है। आप लोग वैसे ही बैठना पसंद करोगे या फिर नहीं करोगे? मैं तो पसली तौर पर बैठ जाऊंगा, मुझे इतनी खासर टेंशन नहीं होगी। आप लोग क्या करोगे नीचे कमेंट के अंदर लाजमी तौर पर बताइएगा। अगली अपडेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि है रेडमी नोट 11 प्रो के बारे में, उसको पाकिस्तान के अंदर फाइनली लॉन्च कर दिया गया। और जो प्राइस आई है वो है 52,000 जो स्टार्टिंग प्राइस है 6GB 128GB वाले वेरियंट की। अब आप लोगों की तरफ से मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे रेडमी नोट 11 प्रो के बारे में, प्राइस का नहीं हमें पता था, अब प्राइस का पता चल चुका हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक कम्बिनेशन बन रहा है ना सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस का, अगर हम लोग डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, एमोलेड डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ 52,000 के प्राइस ब्रैकेट के ऊपर जस्टिफाई करता है अपने आप को। कैमराज 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, बाकी भी जो कैमराज वो काफ़ी डिसेंट है, कैमराज के लिहाज से भी अच्छी डिवाइस है। अगर हम बात कर लेते हैं फास्ट चार्जिंग की, तो 5000mAh की बैटरी के साथ 67W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेसर है ना मीडियाटेक का हेलियो G96 का, अब ये एक थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है। अब आई डोंट नो कि Xiaomi वाले ने इस प्रोसेसर को क्यों यूज़ किया है, इससे पहले हम लोग और ब्रांड्स की तरफ से भी ये वाला प्रोसेसर इस रेंज के अंदर तकरीबन देख चुके हुए हैं। तो अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको अच्छी मिल जाएगी, लेकिन इस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर ये वाला प्रोसेसर होना अब अपने आप को ये जस्टिफाई लाइक काफ़ी हद तक कर रहा है। हम लोग इसको इस सेंस में ले सकते हैं कि बेबी चिप्स का मसला हो, जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर थे वो मिल भी नहीं रहे थे, स्नैपड्रैगन के काफ़ी इशूज़ चल रहे हैं, तो मीडियाटेक के जो प्रोसेसर हैं भाई वो काफ़ी अच्छी तरह मिल रहे थे, अवेलेबल भी थे, तो इस वजह से उन लोगों ने इस प्रोसेसर को यूज़ कर लिया हुआ है। अगर आप लोगों को अच्छी गेमिंग वगैरह करनी है, गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन चाहिए तो दिस इज़ नॉट इट। अगर आप लोगों को ओवरऑल बैलेंस टाइप का फ़ोन चाहिए तो आप लोग इसकी तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट अपडेट अगेन यहाँ पर रेडमी के बारे में है, जो कि है Redmi 10C के बारे में। अब उसकी जितनी भी सारी स्पेसिफिकेशन अब निकल के सामने आ चुकी हैं, क्योंकि जो पिक्चर्स है ना अनबॉक्सिंग वाली वो भी सामने आ चुकी हैं। अगर हम लोग डिज़ाइन की बात करते हैं तो फ्रंट के ऊपर हमें नोच मिल रही है, स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर होगा, बैक साइड के ऊपर 50MP का मेन सेंसर होने वाला है, फ्रंट के ऊपर 5MP का सेल्फी कैमरा होगा, 6.7 इंचज का डिस्प्ले होगा। अब यहाँ पर डिस्प्ले की टेक्नोलॉजी के बारे में कोई भी चीज़ नहीं लिखी गई, लेकिन IPS LCD डिस्प्ले होगा। अगर हायर रिफ्रेश रेट होता इन लोगों ने यहाँ पर लिख देना, तो इट मीन्स के 6.7 इंचज का IPS LCD 1080p रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले हमें मिलने वाला है। 5000mAh की बैटरी के साथ 18W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होगी, बैक साइड के ऊपर में फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा। अब ये वाली जो डिवाइस है ना मुझे लगता है कि 20 से 30 के रेंज के अंदर कहीं पर आएगी, पाकिस्तान के अंदर ये बहुत जल्द आ सकती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो फैक्ट्री ना Xiaomi की, वहाँ पर Redmi 9C बन रहा है, ये 10C है, तो मे बी जो 9C आए 4GB 128GB वाला, उसके थोड़े बहुत यूनिट्स हैं, उसके बाद Xiaomi वाले इस फोन को पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दें, तो लेट्स सी कि इसकी प्राइस कितनी वो लोग रखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है यह है व्हाट्सएप के बारे में। अब हमें व्हाट्सएप के ऊपर जो डिसअपेयरिंग मैसेजेस मिलते हैं ना, उनके अंदर एक नया फंक्शन मिलेगा, आप उन डिसअपेयरिंग मैसेजेस को सेव भी कर पाओगे। लाइक आप सेंड करने से पहले ये चीज़ इनेबल कर सकते हो कि आपका जो डिसअपेयरिंग मैसेज अगर उसको सेव किया जाना चाहिए तो वो लाइक सेव हो जाए। अब मुझे इस बात के लॉजिक की समझ नहीं आ रही, तो फिर इसका नाम ही डिसअपेयरिंग मैसेज क्यों, अगर उसने सेव ही होना है तो लाइक फिर वो नॉर्मल मैसेज बन जाएगा, इससे अच्छा तो वो फिर सीधा सीधा मैसेज ही उसको कर दे जो नॉर्मल मैसेज है। उसको डिसअपेयरिंग मैसेज के अंदर जाकर ये चीज़ इनेबल करने की क्या ज़रूरत होगी कि ये वाला मैसेज सेव हो सके, तो इस बात की कोई सेंस बन नहीं रही। लेकिन इस किस्म का कोई फीचर मिलने वाला है, मे बी जो चीज़ वो इससे थोड़ी सी डिफरेंट हो, कोई ऐसी यूजबिलिटी हो इसके अंदर जिसकी वजह से वो इस स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर इस फंक्शन को इनेबल करने वाले हैं। तो लेट्स
सी के व्हाट्सएप वाले क्या करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है भाई, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। पता नहीं कि ये वाला सोल्यूशन ठीक है अभी या फिर नहीं है। आपको पता है कि कराची के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्नैचिंग होती है मोबाइल्स की, काफ़ी ज़्यादा भाई अंधाधुन उन्होंने तबाही मचाई हुई है। तो कराची के अंदर जो कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन है, उन लोगों ने ये चीज़ कही है कि भाई अगर आप लोगों को कराची के अंदर ऑफलाइन मार्केट के अंदर कोई भी फोन सेल करना है तो आप लोगों के लिए ज़रूरी ये बात होगी कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर आपका जो परमानेंट एड्रेस है ना वो कराची का ही होना चाहिए। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल जाता हूँ ना कराची के अंदर, मैं वहाँ पर जाकर अपना कोई फ़ोन सेल करना चाहता हूँ तो भाई मैं नहीं सेल कर सकता क्योंकि मेरा तो एड्रेस है ही पंजाब का। तो अब ये वाला सोल्यूशन उन लोगों ने निकाला है कि भाई अब मुझे इससे फिर यही चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो रही है ना कि उनके नज़दीक जो जितनी भी चोरी करने वाले लोग हैं वो वही होते हैं जो कि आउटसाइड ऑफ कराची आते हैं, उनका कराची से कोई लिंक नहीं होता। इस चीज़ के अंदर कितनी सच्चाई है ये इस बात का तो हमें नहीं पता, और ये वाला जो सलूशन है कितना ज़्यादा इफेक्टिव है इस बात का भी नहीं पता। तो लेट्स सी कि इसके क्या रिजल्ट्स निकल के सामने आते हैं, और आप लोगों की वैसे ओपिनियन क्या है कि ये वाला सलूशन ठीक है या फिर नहीं है, नीचे कमेंट के अंदर अपनी जो राय है ना फीडबैक, या फिर आपके पास अगर कोई सलूशन हो तो बताइएगा। मुझे पता है कि आप लोग ये कहोगे कि भाई पुलिस मिली शुली हुई है तो ये वाला पूरा सीन होता है, वो तो भाई हर जगह के ऊपर होता है, लेकिन इन्होंने जो स्पेसिफिकली सलूशन निकाला है इसके बारे में आप लोगों की क्या ओपिनियन है ये आप लाजमी तौर पर बताइएगा। लेकिन भाई ओवरऑल कराची इज़ रियली फक्ड अप मैन, उनके जो लाइक हालात हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। वैसे अभी रिसेंटली हम लोगों ने लाहौर के अंदर भी एक गैंग को डिस्कस किया था जो कि ओएलएक्स के ऊपर लोगों को लाइक सस्ते सस्ते फ़ोन लगाकर उनको बुलाते थे और उनको लूट लेते थे, तो उस गैंग को पंजाब पुलिस ने पकड़ लिया था काफ़ी ज़्यादा जल्दी। लेट्स सी कि इन लोगों को क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं, इन लोगों को क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके बाद बात करें आज की लास्ट और काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट की जो कि है एप्पल इन पाकिस्तान के बारे में। तो अभी रिसेंटली एक साफी शिफा यूसफ इन्होंने ट्वीट किया प्लीज़ ब्रिंग एन आईफोन असेंबली प्लांट टू पाकिस्तान, और इन्होंने टैग किया जो जावेद अफरीदी उनको जो कि पेशावर जलमी और ये जो पूरा हायर वगैरह का ग्रुप है उसको ऑन करते हैं, एमजी को भी ऑन करते हैं। तो उन्होंने आगे से रिप्लाई किया ऑलरेडी इन टच विद एप्पल। अब इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई ये क्या सीन है, तो भाई इसका मुझे भी किसी किस्म का कोई भी सीन नहीं पता। मैंने भी इसी ट्वीट को देखा भाई, अब हो सकता है कि वो एप्पल से इन टच हो, लेकिन उनको ये चीज़ भी बतानी चाहिए थी कि भाई क्या प्रोग्रेस है। मैं अगर ये काम हो जाता तो भाई मैं तो दिल से दुआएं दूंगा जिससे वो भी लेके आएगा। और इसके जो चांसेस हैं यार इतने कोई खास मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है उसने काफ़ी ज़्यादा वैसे भी आसानियाँ की हुई जो टैक्स के अंदर रिलैक्सेशन है वो दी हुई है। लेकिन फिर अगर एप्पल जो चाइना को छोड़ेगा भाई वो क्यों छोड़ेगा, क्योंकि अगर ये बात होती ना कि हमारे रीजन के अंदर आईफोन ना बन रहे होते, क्योंकि जो आईफोन बन रहे हैं वो हमारे नेबर कंट्री के अंदर ही बन रहे हैं, तो इतना कोई खास फ़र्क पड़ेगा नहीं। हमारे रीजन से अगर उन्होंने प्रोडक्शन करनी है तो वो आगे फिर कहाँ पर उसको लाइक आउटपुट उसकी कहाँ पर लेके जाएंगे, एक्सपोर्ट तो उन्होंने डेफिनेटली करनी करनी है, क्योंकि पाकिस्तान की जो मार्केट वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है कि हमारे लिए स्पेसिफिकली वो प्लान लगाएं। अगर वो आते भी हैं तो वो फिर इस बेस के ऊपर आएंगे कि वो इधर भी सेल करेंगे और यहाँ से एक्सपोर्ट भी करेंगे, और अगर वो यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर वो पूरा ये जो अफगानिस्तान इधर का पूरा जो रीजन है यूएई तक भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये मुझे लगता है कि अगर अमेरिका के चाइना के साथ हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएं, इंडिया के साथ भी हो जाएं, और फिर पाकिस्तान एक ऑप्शन बचेगा, फिर वो पाकिस्तान के अंदर आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा पता नहीं क्या बातचीत हो रही है, मैं तो पॉसिबिलिटीज़ मिलाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ जो अभी तक मुझे सिनेरियो समझ आ रहा है। लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट की सपोर्ट उन कंपनीज़ के साथ है, टैक्स के अंदर रिलैक्सेशन भी मिल रही है जो कि पाकिस्तान के अंदर फोन को असेंबल करेंगे या फिर कोई भी टेक रिलेटेड गैजेट्स वगैरह को, लेकिन यहाँ पर फोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके अंदर सिम डलती है तो टैक्स का पूरा मामला होता है। लेट्स सी कि ये लोग क्या करते हैं, और भाई जैसे कि अपडेट है ये आप लोगों को डेफिनेटली मिल जाएगी, दुआ शुआ करें कि भाई ये काम हो जाए। तो बस यही अपडेट्स, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा।